ड्राइवर जिन्होंने ऋषभ पंत को गाड़ी से निकाला। सुशील जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आपने देश के लाल को यूं बचाया। जरा बताएंगे वो क्या मंजर था जब ये घटना घटित हुई, क्योंकि आपने उन्हें बचाया, जीवन दिया, प्रत्यक्षदर्शी भी आप हैं, साझा कीजिए हमारे साथ सर। जी, जब मैं हरदोन साइड से आ रहा था सर, मैंने देखा 200-300 मीटर पहले कि ये कार असंतुलित होकर डिवाइडर कूदती हुई आ रही है जी। मैंने उसको समझ नहीं पाया मैं, ये तो हमारी बस में टकराएगी। मैं साइड में था सर्विस लाइन में, क्योंकि हमें वहां से ये गुरुकुल से सवारी उठानी होती है, साइड लाइन में चल रहा था। मैंने देखा ये तो साइड लाइन में गाड़ी आ गई, मैंने तुरंत झटके से गाड़ी को ड्राइव लाइन में डाला और गाड़ी इतनी स्पीड में वो थी कि कनेक्टर साइड में गाड़ी का तो टच नहीं हुई और वो पीछे निकल गई। मैंने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते मैं ड्राइवर साइड में कूदा और भागते हुए देखा मैंने, मतलब गाड़ी थोड़ी थोड़ी चिंगारी उठ रही थी, गाड़ी रुक चुकी थी। मेरे पास आपके लिए दो सवाल है सर। एक सवाल तो ये है कि क्या गाड़ी में ऋषभ पंत अकेले थे, और दूसरा सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि 6 मिनट बाद गाड़ी जो है वो जलकर स्वाहा हो गई, तो कैसे आप लोगों ने ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला सर? सिर्फ गाड़ी ये पंत जी से हमने 3 सेकंड में 4 सेकंड में मैंने कनेक्टर को इसको आधा निकले हुआ था जी, ये खिड़की से जी, सामने वाली खिड़की, बगल वाली खिड़की से या सामने वाले शीशे से? ये सामने वाले शीशे से जी। जी हमने, मैं सबसे पहले मैंने देखा, मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने सोचा ये बेहोश की हालत में है, इतने में कनेक्टर आ गया, हमने दोनों ने पकड़ के 3 या 4 सेकंड में खींच के, मैं ये तो इसकी डेथ हो चुकी है, मैंने खींच कर साइड में गिरा कुछ तो ये कह दे जी, हमने जैसे खींचा ना उसका क्रॉस भी आई थोड़ी बहुत, और वो मैं भाग के गाड़ी की तरफ भागने लग गया ना, मैंने देखा मैं इसमें कोई और पर्सन तो नहीं है, क्योंकि अंधेरे का टाइम था, लाइटें बंद थी, तो बाग का मैंने देखा, मैंने वो बोला नहीं इसके इतने में उसके चारों तरफ आने लगा चिंगारी हुई, मैंने देखा फायर सिलेंडर लेने के लिए भागा मैं। नहीं तो सुशील जी, एक वीडियो यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पर दोनों रोड के बीच का जो लेन होती है वहां पर ऋषभ को कुछ लोग लिटा रहे हैं, वो आप ही लोग हैं? हम ही तो है, हमने तो निकाले, हम सबसे पहले मैं, मेरा कनेक्टर, फिर वो जो यात्री थे ना बस में वही आए हैं, कोई बाहर का ना, कोई गांव को आया ना, कोई साइड में से किसी और गाड़ी ना। तो ऋषभ को चोट कहाँ कहाँ लगी सर? पीठ पे खरोच हम देख रहे हैं, पैर पे कहा जा रहा है फ्रैक्चर हो गया, आप बता सकते हैं चोट कहाँ कहाँ नजर आ रही थी आपको प्रथम दृष्टया? उस टाइम उसके चेहरे पे सारे पे छुला हुआ था, अरे इसके ये कपड़े नहीं पहने हुआ था बिल्कुल, इसमें था ये इसमें अंडर में चद्दर में लपेटा हमने इसको, चद्दर उठाई मखा ये चद्दर उठ ले, फिर पानी मांगा, पानी भागा, एक यात्री बस में रखा था, मखा भाग के पानी की बोतल ले, पानी की बोतल इसको पानी पिला दोगे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ने टी शर्ट या शर्ट नहीं पहनी थी ऊपर और इसी वजह से पीठ पे खरोच आ गई? हमने पूछा ना उसको खींचा, वो कह रहे हैं कि पलटे लिए गाड़ी ने, गाड़ी 200 मीटर से पलटे लगाते आ रही है सर।